प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। दोस्तों आपने भी अपना एडसेंस पिन अप्लाई कर रखा है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं और आपका एडसेंस पिन आपके एड्रेस पे सक्सेसफुली नहीं आ पा रहा है, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका एडसेंस पिन आपके एड्रेस पे आ जाए। जैसे कि मैंने भी पहली बार इसे अप्लाई किया, उसके बाद से ये मेरे एड्रेस पे 3-4 हफ्ते बाद भी नहीं आ पाया, तो मैंने उसे कैसे मंगाया ये लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा भी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपने एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नंबर कैसे डाल सकते हो, अपने एडसेंस पिन को रिप्लेस कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको एडसेंस पिन अप्लाई करने का जो मौका मिलता है उससे पहले आपको चैनल मोनेटाइज करना पड़ता है। अब जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है उस टाइम पर आपको यूट्यूब की तरफ से कई सारे टूल मिल जाते हैं, जैसे कि YT स्टूडियो जैसे ही ओपन करेंगे मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर चैट एंड ईमेल सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज आ जाते हैं, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट हिंदी के लिए आपको यहाँ पर लिमिटेशन होते हैं कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए यहाँ पर ये ओपन होते हैं, बट इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 24/7 होता है, यानी कि 24 घंटे में आप कभी भी बातें कर सकते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ पा रहा है तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो। अब हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम शेयर करना है, तो ये सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे और आपका चैनल कन्फर्म करेंगे। जैसे ये सारी चीज आप बताते हो उसके बाद से आप प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हो कि मुझे 3-4 हफ्ते हो गए हैं मुझे गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई किए हुए बट ये हमारे एड्रेस पे नहीं आ पा रहा है, तो ये आपको सोल्यूशन शेयर करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये आप अपने एडसेंस पिन को रिप्लेस कीजिए, रिप्लेसमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चीजें बताएंगे, उसके बाद से आप पूछोगे कैसे करना है, तो इसके लिए आपको गूगल एडसेंस में चले जाना है, गूगल एडसेंस अकाउंट में, वहां पर आपको पेमेंट पर क्लिक करके वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो जहां पर आप इस पिन को डालने के लिए एडसेंस पिन का इंतजार कर रहे थे उसी के नीचे आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, रिप्लेस का ऑप्शन होता है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां पर रिप्लेस करने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इसी एड्रेस पे मंगाना चाहते हो, तो आप चाहो तो वहां पर एड्रेस चेंज कर सकते हो। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो एड्रेस होता है ना उस एड्रेस पे कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, या आपका एड्रेस पे जो लिफाफा है वो आकर के रहता है, डाकिया घर में ही रह जाता है, वहां पर मेंशन नहीं रहता है आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर आपको वहां पर नहीं लिखा जाता है गूगल की तरफ से आपके सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इसके वजह से आप वहां पर जो आपका पोस्टमैन होता है वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एडसेंस पिन आ रखा हो, आपके डाकिया घर में ही रह गया हो बट आपको वो नहीं मिल पाया हो, तो इसके लिए आप एड्रेस में ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हो जिससे वो मेंशन हो जाए और आपके पोस्टमैन को उससे कॉन्टेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाए। अब हम बात करते हैं ये सारा चीज़ होने के बाद से आप चाहो तो वहाँ पर एड्रेस चेंज कर सकते हो, किसी और एड्रेस पर भी मंगा सकते हो, उसके बाद से रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद से आप वहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाते हो। अब यहाँ पर अगर आप पूरे अटेम्प्ट को क्लियर कर लेते हो, 3-4 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको रिप्लेस करने का, ये सारा अटेम्प्ट आप क्लियर कर लेते हो फिर भी आपको एडसेंस पिन नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या लेना चाहिए, फिर से आपको उसी चैट एंड ईमेल सपोर्ट पर जाना है और वहां पर ये सारा दुखड़ा आपको गा देना है कि मैंने 4 अटेम्प्ट को क्लियर कर लिया है फिर भी मेरे को एडसेंस पिन मेरे एड्रेस पे नहीं मिल पाया है, तो वहां पर वो आपके ईमेल पे ही गूगल एडसेंस पिन को जनरेट करा देंगे और कुछ इस तरीके से आपको एडसेंस पिन मिल जाएगा। और उसे कैसे वेरीफाई करना है आप इस वीडियो को देख करके जान सकते हो कि उसे कैसे वेरीफाई करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, उसके बाद से आपको बैंक कैसे ऐड करना है वो भी चीज आपको पता चल जाएगा, सेव कोड कैसे पता करना है का वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वो भी जाकर के देख लीजिएगा। आपने मुझे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के फॉलो जरूर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नॉलेजफुल वैल्यूएबल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं मिलूंगा आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।